कीनिया की सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला किया है। कीनिया सरकार ने तय किया है कि वो इस साल के अंत तक भारतीय मूल के 10 लाख कौओं को जहर देकर मार डालेगी। इसके लिए बकायदा अभियान शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौओं ने कीनिया सरकार का क्या बिगाड़ा है जो उनका मास मर्डर किया जा रहा है, और सिर्फ भारतीय मूल के कौओं की हत्या का ऑर्डर ही क्यों हुआ है। कौओं को मारने का फैसला जितना अजीब है, इस फैसले की वजह भी उतनी ही अजीब है। अब हम आपको भारतीय प्रवासी कौओं का गुना बताते हैं जो कीनिया के वन्य जीव प्राधिकरण ने बताए हैं। कीनिया में भारतीय प्रवासी कौओं का सबसे बड़ा गुना तो यह है कि वो पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी नहीं है। दूसरा गुना यह है कि कीनिया के तटीय शहर में प्रवासी भारतीय कौवे पर्यटकों की थाली से खाना चुराने के लिए झपट्टा मारते हैं। तीसरा गुना यह है कि प्रवासी भारतीय कौवे स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों का शिकार कर रहे हैं। चौथा गुना यह है कि कौवे छोटे स्थानीय पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर देते हैं। और पांचवा गुना यह है कि कौवे फसलों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए कीनिया सरकार ने भारतीय प्रवासी कौओं को अपना दुश्मन मान लिया है और कौओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। कीनिया की योजना 31 दिसंबर तक 10 लाख कौओं को जान से मार डालने की। और अंत में हम बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की करेंगे। जब आप योग शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? प्राणायाम, व्यायाम या लचीला शरीर? लेकिन योग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ठीक उसी तरह से योग अब भारत तक ही सीमित नहीं है। आज पूरी दुनिया में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया तो दुनिया के हर कोने से आज योग दिवस की अलग अलग तस्वीरें आई। अब हम आपको नेशनल टू इंटरनेशनल योग दिवस की झलकियां दिखाते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। मैं देश के सभी लोगों, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। News.